इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में चल रहे पंचकर्म क्रिया को अब शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सके। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों को दी जाने वाली स्वर्ण प्राशन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये निर्णय गुरुवार को कॉलेज की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। शहर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के विकास और पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए गुरुवार को संभागायुक्त दीपक सिंह कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल के साथ ही पूरे कॉलेज परिसर का दौरा कर कॉलेज में चल रहे विभिन्न कोर्स की जानकारी ली। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉलेज के विस्तार के लिए तैयार किए गए प्रोजेक्ट की जानकारी दी। कॉलेज में 35 करोड़ के माध्यम से नई बिल्डिंग और आयुर्वेद के 6 अन्य विभाग प्रारंभ करने की योजना है। इसके लिए संभावना एक में शासन स्तर पर एक प्रोजेक्ट को जल्द मंजूर करने में प्रशासनिक सहयोग की बात कही। आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर में जो अभी पठन पाठन का हॉस्पिटल में इलाज का पंचकर्म का जो व्यवस्थाएँ हैं उनका सबका आज अवलोकन किया गया है। एक तो यहाँ पर प्रस्ताव है कि इसको एक आदर्श आयुर्वेदिक कॉलेज के रूप में विकसित किया जाए। इसका ऑलरेडी एक DPR बना के कॉलेज स्तर से शासन आयुष विभाग को प्रेषित किया गया है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसकी स्वीकृति हम करा सकें ताकि इसको एक आदर्श आयुर्वेदिक कॉलेज के रूप में विकसित किया जा सके। दूसरा, जो यहाँ पर पंचकर्म का काम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इस पंचकर्म का जो प्रोजेक्ट है वो इंदौर शहर के अन्य स्थानों पे भी हम ऑटोनॉमस के माध्यम से शुरू कर सकें। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम यहाँ पर हो रहा है वो है बच्चों को स्वर्ण प्राशन का, जिसमें हर महीने में पुष्य नक्षत्र को एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बच्चों को दी जाती है 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को, जो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही एक गर्भ संस्कार का एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को, माताओं को यहाँ पर बुलाकर हम इस तरह के आयुर्वेदिक और योग संबंधी उनको जानकारी दे सकें ताकि एक अच्छे स्वस्थ बच्चे का जन्म हो और वो जो गर्भवती माता हैं उनके भी बेहतर स्वास्थ्य की देखरेख हो सके। इसके साथ ही कॉलेज में जो पठन पाठन का कार्य हो रहा है उसको और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने चर्चा की है, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में आयुर्वेदिक कॉलेज के माध्यम से और बेहतर सुविधाएं हम इंदौर के लोगों को दे पाएंगे। समीक्षा के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए संभागायुक्त ने बताया कि कॉलेज में चल रहे पंचकर्म क्रिया को अब शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ किया जाएगा और इसके अलावा 0 से 12 वर्ष के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रत्येक पुष्य नक्षत्र पर दी जाने वाली स्वर्ण प्राशन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। हम अगर अलग अलग विधाओं की बात करें, क्योंकि अब एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, बहुत सारी ऐसी हैं, समय के काल के प्रवाह में बहुत सारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम था, जो प्राचीन भारत की इस तरह की महत्वपूर्ण विषय थे, वो थोड़ा पीछे रह गए। जो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण कहीं ना कहीं वो
पीछे हो गए, लेकिन अब समय है कि हम वो जो प्राचीन विद्या है आयुर्वेदिक की उसको हम बेहतर रूप में लोगों को प्रस्तुत कर सकें, और जब हम इसके अच्छे परिणाम लोगों को देंगे तो लोग अपने आप इसके ओर आकर्षित होंगे, तो प्रयास हमारा उसी दिशा में है। कॉलेज प्रशासन ने नगर निगम से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी, जिसे संभागायुक्त ने तुरंत हल करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।